एंटर प्लीज। आइए आइए आइए, वेलकम, मोस्ट वेलकम। हेलो अजीत, इतने साल हो गए लेकिन तुम बिल्कुल नहीं बदले। हाउ आर यू? तुम भी तो बिल्कुल नहीं बदले, सिर्फ दाढ़ी बढ़ा ली है। और रेवा भी बिल्कुल नहीं बदली, बिल्कुल वैसी की वैसी है। कौन कितना बदला है ये तो समय ही बताएगा। अच्छा बैठिए, कम बैठिए। अपने मित्रों से परिचय नहीं करेंगी? जी जी, ये नीलू है, शी इज अ सोशल वर्कर। हेलो। ये टीना है और ये इनके हस्बैंड है सुधीर। नमस्ते। नमस्ते। प्रतीक इन्हीं का छोटा भाई है। अच्छा ये बताइए, आप लोग क्या क्या पिएंगे? रेवा, जब तुम मनोवी राज से छुप छुप कर मिला करती थी तो एक दिन में पता नहीं कितनी कॉफी पी जाया करती थी। कॉफी तो हम आज भी पीते हैं। अकेले या तुम वाकई पॉलिटिक्स में घुस चुके हो अजीत, बोलते कुछ हो मतलब कुछ और होता है। भाई यही तो वजह है कि आज मैं पार्टी की इस कुर्सी पर बैठा हूं। आज विपक्ष में सही, कल सत्ता में भी आ सकता हूं। तुम जहां भी हो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो अजीत। हम कुछ प्रतीक के बारे में बात करें? देखिए मैं आपको केस के डिटेल्स बता देती हूँ। एक्चुअली हुआ ये था कि देखिए मैडम, हम पार्टी के दफ्तर में बैठते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर की दुनिया से हमारा नाता टूट गया। मुझे मालूम है कि आपके भाई प्रतीक ने शराब के नशे में गाड़ी चलाते वक्त कुछ लोगों को जान से मार डाला और कुछ लोगों को बुरी तरह से कुचल डाला। जी देखिए देखिए, प्रतीक ऐसा लड़का नहीं है, वो शराब नहीं पीता। वो क्या हुआ कि बस वो दिन दिवाली के दिन अपने दोस्तों की वजह से, वजह कुछ भी हो एक्सीडेंट तो हुआ है ना। देखिए हम लोग तो घायलों की फैमिली को मुंह मांगा कॉम्पेंसेशन देने को तैयार है, लेकिन लेकिन अजीत, मामले ने पॉलिटिकल टर्न ले ली है और ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। जानता हूं। तो कुछ करो अजीत, प्रतीक एक अच्छा लड़का है, सैड सिचुएशन में फंस गया है। इस हादसे का मेरे भाई पर बहुत ही साइकोलॉजिकल असर हुआ है, वो टूट गया है। सोच भी नहीं सकता था कि उसे ये सब से गुजरना पड़ेगा। मैं आपकी तकलीफ समझता हूँ, लेकिन चाहते हुए भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। क्योंकि मेरे पार्टी के कार्यकर्ता आप सब लोगों से बहुत नाराज हैं। हम लोग से? लेकिन लेकिन क्यों सर? हाँ, ऐसी क्या बात हो गई? ये बातें ही तो होती हैं जिससे सत्ता बनाई जाती है, बातों से ही समर्थन हासिल होता है और बातों से ही शत्रु बनाए जाते हैं। ये बातें हैं आप लोगों की जिन्होंने प्रतीक को छुड़ाने की कोशिशों पर पानी फेर दिया। देखना चाहेंगे? देखा, देखिए देखिए देखिए, ये सब ऑपोजिशन वालों की चाल है। अपना उल्लू सीधा करने के लिए उन लोगों ने मेरे देवर को फंसाया है और मौके का फायदा उठाकर वोट इकट्ठा कर रहे हैं। पता नहीं क्या चाहते हैं ये लोग हमसे। प्रतीक को क्यों नहीं छोड़ रहे हैं?